हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट था इनहेरिटेंस का, वो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स का किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मेनली इनहेरिटेंस के पांच टाइप होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और चौथा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये पांच प्रकार के हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस है जो सी प्लस प्लस द्वारा सपोर्टेड है। ठीक है, अब हम इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने बात करी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस, जैसा कि आपको पता है कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को कौन इनहेरिट करता है, डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। तो सिंगल इनहेरिटेंस इज द वन वेयर यू हैव अ सिंगल बेस क्लास एंड सिंगल डेराइव्ड क्लास। सिंपल मुझे क्या याद रखना है, सिंगल इनहेरिटेंस में, सिंगल इनहेरिटेंस में कि इसके अंदर एक ही क्या होगी, बेस क्लास होगी, और एक ही क्या होगी, डेराइव्ड क्लास होगी। जैसा कि डायग्राम में बताया हुआ है, क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज क्लास बी के अंदर क्या की जाएंगी, इनहेरिट की जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्लास ए क्या है मेरी, यहाँ पे क्लास ए है मेरी बेस क्लास, या बेस क्लास को मैं क्या बोलता हूँ, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। इसको मैं क्या किस नाम से जानता हूँ, पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास। और डेराइव्ड क्लास कौन सी है मेरी, क्लास बी क्या है मेरी, डेराइव्ड क्लास या सब क्लास या एक नाम और इसका चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो बस सिंपल सा एक लाइन मुझे याद रखे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस वह इनहेरिटेंस होता है जिसके अंदर केवल एक ही क्या होती है, बेस क्लास होती है, और एक ही क्या होती है, डेराइव्ड क्लास होती है। बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज डेराइव्ड क्लास के अंदर क्या की जाती है, इनहेरिट की जाती है। और उसका डायग्राम है ये, सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मोस्टली एग्जाम में आता है कि इनहेरिटेंस क्या है और इनहेरिटेंस के टाइप क्या है, एक्सप्लेन करो। तो उस केस में मुझे ये वाला डायग्राम बनाना है, उसको मैं बताना है क्लास ए क्या है, क्लास बी क्या है मेरी। क्लियर, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर, देखो अब ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, देखो एग्जांपल की मैं बात करूँ, एग्जांपल से पहले मैं डिस्कस करूँ तो उस वाले कोड को मैं किस तरह लिखूंगा। जैसे ये वाला कोड था इससे पहले, देखो ये वाली क्लास थी, अब इसमें इनहेरिटेंस को किस तरह से लिखूंगा, तो लिखूंगा कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक क्लास, क्लास बनाई मैंने कौन सी, मान लो क्लास ए, ये क्या है मेरी बेस क्लास, इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया जो भी इसके डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शन से सारी ली थी, ये क्लास ए हो गई। अब जैसे ही क्लास बी बनेगी, क्लास बी कौन सी है मेरी, ड्राइव्ड क्लास, तो क्लास बी इनहेरिट, यहाँ पे कोलन है। ठीक है, फिर एक्सेस स्पेसिफायर मैंने यहाँ पे यूज कर, मान लो पब्लिक, पब्लिक, और फिर क्लास किसका नाम, फिर है मेरी क्लास, सॉरी यहाँ पे आएगी कौन सी क्लास है? यहाँ पे क्या हुआ, और इसके अंदर ये चीज है। तो ये इस वाले डायग्राम को इस तरह से मैं क्या करूँगा, लिखूंगा। तो ये जो है, इस लाइन से मुझे पता लग जाता है कि ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, या मल्टी लेवल है, या हाइब्रिड है, या हायरार्की है। इस वाली लाइन से मुझे क्या पता लग जाएगा कि किस तरह का इनहेरिटेंस है। तो अभी क्लास बी क्या है, डेराइव्ड क्लास, क्लास ए क्या है मेरी, क्लास ए क्या है मेरी, बेस क्लास। तो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज किसके अंदर आ रही हैं, ड्राइव्ड क्लास के अंदर। जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी वो सारी कॉपी कहाँ पे हो जाएंगी, ड्राइव्ड क्लास के अंदर। और ड्राइव्ड क्लास के अंदर जो एक्स्ट्रा यदि आप प्रॉपर्टीज ऐड करनी है वो कहाँ पे ऐड हो जाएंगी, इसके अंदर। क्लियर, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ये है मेरा एक एग्जाम्पल जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक स्टूडेंट क्लास बनाई है। स्टूडेंट क्या है, देखो ये वाला हायरार्की कैसे बनेगी, यहाँ पे होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा स्टूडेंट,
और स्टूडेंट की प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट कर रहा है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है कोर्स, कौन कर रहा है कोर्स। तो ये डायग्राम है, तो ये है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे स्टूडेंट क्या है, मेरी बेस क्लास है या सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, और ये वाली जो कोर्स है वो क्या है मेरी, क्या है डेराइव्ड क्लास, क्या है डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास। अब इसी चीज़ को मुझे इंप्लीमेंट करना है अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैंने क्लास बनाई जैसा भी बनाया था मैंने इससे पहले, क्लास ए करके, ऐसे सेम वही तरीका, क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर प्राइवेट सेक्शन में मैंने यूज़ करा एक करेक्टर टाइप की, मैंने क्या बनाई है एरे बनाई है जिसका साइज है 20। फ्लोट टाइप का मैंने मार्क्स एक वेरिएबल बनाया है या डेटा मेम्बर बनाया है। प्रोटेक्टेड सेक्शन में मैंने क्या बनाया है, वर्ड रिजल्ट एक फंक्शन बनाया है। और पब्लिक सेक्शन में मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्या है, ये क्या है मेरा कंस्ट्रक्टर है। फिर एक कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करता हूँ, उसके डेटा मेंबर्स को, किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने क्या यूज़ करता हूँ, कंस्ट्रक्टर। तो और ये कंस्ट्रक्टर किस प्रकार का कंस्ट्रक्टर है, ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर क्या नहीं हुए हैं, पास नहीं हुए हैं। और कंस्ट्रक्टर क्यों बोला, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो स्टूडेंट है, यहाँ पे भी स्टूडेंट है, तो दोनों क्या है सेम है। और कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो ये क्या है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया वर्ड एनरोल करके, फिर वर्ड डिस्प्ले नाम से एक और फंक्शन बनाया। ये तो था मेरा स्टूडेंट क्लास, क्लियर, ये क्लास हो गई यहाँ बन, क्लियर। अब क्लास मैं दूसरी क्लास है कोर्स, कोर्स क्लास क्या है ड्राइव्ड क्लास, तो ड्राइव्ड क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी किसकी, स्टूडेंट क्लास की। तो मैंने लिखा क्लास कोर्स कोलन, या इनहेरिटेंस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस ऑपरेटर, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज किया मैंने पब्लिक, और जहाँ से आप प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, कौन सी बेस क्लास है, स्टूडेंट बेस क्लास है, तो स्टूडेंट क्लास का नेम यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे आ जाएंगी, इस वाली क्लास के अंदर। फिर इस क्लास के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज तो रहेंगी, इनके अलावा और चीज़ मैंने क्या ली, लॉन्ग टाइप का मैंने कोर्स कोड बनाया है, करेक्टर टाइप का कोर्स मैंने नेम बनाया है, पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कुछ प्रकार कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे इसके जो डेटा मेंबर्स हैं कोर्स कोड और कोर्स नेम, इनको इनिशियलाइज करने के लिए, क्लियर। और फिर पब्लिक सेक्शन के अंदर ही मैंने एक फंक्शन बनाया वर्ड कॉमर्स, और फिर एक और फंक्शन बनाया वर्ड सी डिटेल। तो ये है मेरा क्या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल जिसको मैंने बनाया है। आगे देखते हैं, अब इसके अंदर होगा क्या, मान लो मुझे क्या करना है, किसी भी फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मेन मेथड बनाऊँगा, मेन मेथड बनाया, मेन मेथड जैसे बनाया, तो मैं ड्राइव्ड क्लास का यदि ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे बनाया, तो कोर्स ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, क्लास का नेम कोर्स और ऑब्जेक्ट का नेम, मान लो मैंने ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होता है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। यदि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है, तो जितने भी डेटा मेंबर्स उनकी वैल्यू किससे इनिशियलाइज हो जाती है, किससे इनिशियलाइज हो जाती है, जीरो, जीरो से क्या हो जाती है, इनिशियलाइज हो जाती है। अब मैंने इसमें ओनली फंक्शंस के क्या क्या दिया है, प्रोटोटाइप दिया है, ओनली फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ना कि मैंने फंक्शन की कोई डेफिनेशन दी है। यदि आप इनकी डेफिनेशन देते तो इस प्रोग्राम को मैं आगे फर्दर बताता कि किस तरह से प्रोग्राम रन करेगा। मान लो इस फंक्शन की मैंने डेफिनेशन दे दी, कौन से की, इस वाले की, इसके अंदर मैंने लिख दिया कुछ भी, कोई कोड लिख दिया, तो जैसे मैं क्या करता, ऑब्जेक्ट डॉट कोर्स कॉमर्स कमेंस, सॉरी कमेंस, कमेंस फंक्शन जैसे मैं कॉल करता, तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई थी वो सारी चीज़ें क्या हो जाती, कॉल हो जाती, और उसके अकॉर्डिंग क्या आता, मेरा आउटपुट डिस्प्ले हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी ओनली एक एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल बताया नॉर्मल, अभी मैंने पूरा कोड नहीं बताया कि किस तरह से प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। अब मुझे ये वाली चीज़ यदि कॉल करनी होती तो मैं इसका क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट का नाम का ऑब्जेक्ट बनाता, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो जाता। लेकिन यदि इनहेरिटेंस मैंने यूज़ किया है, तो मैं डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, इसके सारे फंक्शंस को क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे लिख दोगे ऑब्जेक्ट डॉट एंड रोल भी यदि कॉल करोगे तो भी क्या होगा, यह कॉल होगा, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने कहाँ पे इनहेरिट कर ली हैं, कोर्स वाली क्लास के अंदर। तो ये था सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी रिमेनिंग इनहेरिटेंस है।
थैंक यू।